होम के प्रकार भेद एवं विविध फलों का कथन। भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, होम से युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले कृच्छ व्रत करके देह शुद्धि करें, तदंतर 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करें, फिर जल के भीतर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करें, पूर्वाह्न काल में अग्नि में आहुति समर्पित करें, भिक्षा द्वारा प्राप्त यव निर्मित भोज्य पदार्थ, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित है। पार्वती, लक्ष होम की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करें। लक्ष होम की पूर्णाहुति के पश्चात गौ, वस्त्र एवं सुवर्ण की दक्षिणा दें। सभी प्रकार के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋत्विजों से पूर्वोक्त यज्ञ करावें। इस लोक में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जो इससे शांत ना हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगलकारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि होम कराता है, युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक उपद्रव, टिड्डी दल, शुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि होम में 20, 100 अथवा सहस्त्र ब्राह्मणों का वरण करें। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि होमात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर स्वर्ग लोक को जाता है। गायत्री मंत्र, गृह संबंधी मंत्र, कुष्मांड मंत्र, जात वेदा अग्नि संबंधी अथवा इंद्र, वारुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूर्य देवता संबंधी मंत्रों से होम पूजन आदि का विधान है। अयुत होम से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष होम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि होम समस्त क्लेशों का नाश करने वाला और संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाला है। यव, धान्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसातिका, छोटे दाने का चावल, कमल, खस, बेल और आम्रपत्र होम के योग्य माने गए हैं। कोटि होम में 8 हाथ और लक्ष होम में 4 हाथ गहरा कुंड बनावे। अयुत होम, लक्ष होम और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। मनवंत्रों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं मनवंत्रों का वर्णन करूंगा। सबसे प्रथम स्वयंभुव मनु हुए हैं। उनके आग्नित्र आदि पुत्र थे। स्वयंभू मनवंतर में यम नामक देवता, औरव आदि सप्तऋषि तथा शतक्रतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था स्वरोचिषः। उसमें पारावत और तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनु के चैत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित नामक इंद्र तथा ऊर्ज स्वंत आदि द्विज सप्तऋषि थे। तीसरे मनु का नाम उत्तम हुआ। उनके पुत्र अज आदि थे। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण सप्तऋषि थे तथा उनके ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रेवत नामक 5वें मनवंतर में वितथ इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलबंद आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे। तत्पश्चात 7वें मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज सप्तऋषि हैं। ये वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि के अंशावतार हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रकट हुए थे। तदंतर शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देववर, वैकुंठ,
और वामन रूप में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन सावर्णी आठवें मनु होंगे। वे अपने पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसलिए सावर्णी नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्त ऋषि, बलि इंद्र और विरज आदि मनु पुत्र होंगे। नवे मनु का नाम दक्षसावर्णी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं के इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में सवन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्त ऋषि होंगे और धृत केतु आदि मनु पुत्र। तत्पश्चात दसवें मनु ब्रह्म सावर्णी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनु पुत्र होंगे। तदंतर धर्म सावर्णी नामक ग्यारहवें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंग आदि देवता, गण इंद्र, निश्चर आदि मुनि तथा सर्वत्रग आदि मनु पुत्र होंगे। इसके बाद बारहवें मनु रुद्र सावर्णी के नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में रित धामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्या आदि सप्त ऋषि और देववान आदि मनु पुत्र होंगे। तेरहवें मनु का नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इंद्र होंगे, जो दानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रौच्य मनवंतर में निर्मोह आदि सप्त ऋषि तथा चित्रसेन आदि मनु पुत्र होंगे। चौदहवें मनु भौत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में शुचि इंद्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। चौदहवें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्त ऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनु पुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में व्यास रूपधारी श्री हरि वेद का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 100,000 ऋचाएं थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने अर्धवर्यु का काम यजुर्भाग से, होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्गाता का कर्म साम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्व वेद के मंत्रों से होना निश्चित किया। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित हुए। इंद्र ने प्रमति और बाशकल को संहिता प्रदान की। बाशकल ने भी बौद्ध आदि को 4 भागों में विभक्त अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाएं निर्माण की। कांड और वाजस ने आदि शाखाओं को याज्ञवल्क्य आदि ने संपादित किया है। व्यास शिष्य जामिनी ने सामवेदी रूप वृक्ष की शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक एक संहिता रची। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1,000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्व वेद की भी एक शाखा बनाई तथा उसमें पैपल आदि अपने सहस्त्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सूत ने पुराण संहिता का विस्तार किया। वर्ण और आश्रम के सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियों के विशेष धर्म। अग्निदेव कहते हैं, मनु आदि राज ऋषि जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश किया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उनका वर्णन किया था। पुष्कर ने कहा, परशुराम जी, मैं वर्ण आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष प्रदान करने वाले हैं। भृगुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्यों के स्वामी श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता,
तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ाने का कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दान देना, वेदों का अध्ययन करना तथा विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करना, ये क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य कर्म हैं। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना, ये क्षत्रिय के विशेष धर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के विशेष कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजों की सेवा तथा सब प्रकार की शिल्प रचना, ये शूद्र के कर्म हैं। मौंजी बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम कर्म से अर्थात शूद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर्य से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणी का पुत्र सूत कहा गया है और वैश्य के वीर्य से उत्पन्न होने पर उसकी वैदेहक संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुक्कस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न होने पर क्षत्रिया के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति के स्त्री के गर्भ से शूद्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए, अपने से ऊंची और नीची जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल का कर्म बताया गया है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना, यह वैदेहक का कार्य है। सूतों का कार्य है घोड़ों का सारथीपना। पुक्कस व्याध वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य है स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंग भूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा जीविका चलाना। चांडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दे से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्री एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण बाह्य चांडाल आदि जातियों की सिद्धि का, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण माना गया है। वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति उनके माता पिता तथा जाति सिद्ध कर्मों से जान